सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। सबसे पहले रुकना है बच्चों, क्योंकि कुछ रूल्स मैं बताने वाला हूं एग्जाम देने के लिए। क्या करते बच्चे, जैसे बोले वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं, लिंक ओपन करते हैं, एग्जाम देते हैं। कुछ रूल्स पता नहीं होता, बाद में बहुत चिल्लाते बच्चे। सबसे पहले ये क्वेश्चंस पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन ऑथेंटिक पेपर इसके बाद में आप लोगों को मिलने वाले। ये पेपर एक क्या बोल सकते हैं, ट्रायल बेस पे बनाया है, मतलब ऐसे ही कुछ बना के दिया हमने, लेकिन आप लोगों को बहुत ही जैसे HSC बोर्ड में एग्जाम पेपर होता है वैसे एग्जाम पेपर अगले इसमें, ये भी है बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, लेकिन कुछ ऐसे ही बना दिया, मतलब ज्यादा कुछ मेहनत नहीं की हम लोगों ने। कुछ लोगों ने बस एक एक क्वेश्चन दे दिया और उसको कंबाइन करके बना दिया, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर जो ऑथेंटिक होता है बोर्ड में जैसे वैसे टाइप करते हुए सब कुछ चीजें मिलेगी। तो सबसे पहले बच्चों आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर है, ये फर्स्ट नंबर का आज का हमारा पहला ही एग्जाम है, ठीक है। फॉर HSC बोर्ड एग्जाम 2021 में इसमें से कुछ सवाल उठाएंगे, 100% मैं गारंटी दे सकता हूं। एक बच्चे ने मुझे कल, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक P1 के पूरे क्वेश्चन दिए थे, उसमें कुछ स्टूडेंट ने मुझे क्या कहा पता है आप लोगों को, कि सर आप कैसे इंपॉर्टेंस बता रहे, फेक है ये। नहीं बच्चों, खुद का एक्सपीरियंस है 12 साल का, मेरे साथ में गिरी डावरे सर है जो 28 साल का एक्सपीरियंस है उनका। सोच लो हम लोगों ने कितने बार पेपर चेक किए होंगे, मॉडरेशन किया होगा, सर तो CM रह चुके, चीफ मॉडरेटर, पेपर सेटर, सब कुछ काम किए चुके हैं बच्चों, ये कोई फेकोलॉजी नहीं है। और ये पेपर जब सॉल्व करेंगे, अब आपको एक पहले आंसर की लेना है, मतलब आंसर पेपर लेना है। आंसर पेपर में आप लोगों को खुद का यहां पे डालना है, सब्जेक्ट ऐसा डालना है जैसे कि फिजिक्स है अपना, ठीक है। उसके बाद में जो क्लास है, क्लास जो है आपकी 12th है ना, यहाँ पे क्लास होगा, ये होगा। खुद का नेम भी डाल सकते हैं, नाम डालना है तो नेम ऑफ स्टूडेंट डाल सकते हो, है ना, जो भी है। यहाँ पे आपको टाइम है बच्चों इसके लिए 3 hours है, ये डालना है। टोटल मार्क्स है आपके लिए, टोटल मार्क वो डालने हैं आपके 70 marks, ठीक है। इसको अच्छी तरह से डिजाइन करें। बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे MCQs का क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चों आपका जो भी क्वेश्चंस 1 में आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये डालना है। जो भी MCQs का आंसर होगा वो डाल के उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा लिखा तो बहुत बढ़िया, अगर आपके पास समय मिलता है, नहीं मिलता है तो कम से कम B options और उसका लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इसका आंसर था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये लिखना जरूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन से मार्क नहीं मिलता बच्चों। दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, उसका आंसर है मेरा पास D answer था बच्चों। D answer में समझो एक एग्जांपल बोल रहा हूं, इसका आंसर था RMS speed, इसका आंसर था तो RMS speed लिखा, उसको अंडरलाइन करो। क्वेश्चन नंबर इसमें से ही MCQs की बात कर, बच्चे क्या करते हैं ABCD में लिखते हैं, उनको 0 mark मिलता है। ये बोर्ड का रूल से ही एक्सपीरियंस है हम लोगों को, ठीक है। पूरे लाइंस में लिखा तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा तो बी का, लेकिन क्या ऑप्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। डी का ऑप्शन क्या, RMS speed है। तीसरे का आंसर था ए, उसका न्यूमेरिकल रहा, तो जैसे कि हम लोगों ने यहां पे कुछ वैल्यूज निकाली है तो B is equal to जो भी होगी या कुछ भी, जो भी आंसर होगा लिख सकते हैं, आपको जो भी दिया है कुछ भी, जैसे कि एक्सेलरेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाला था वो 7.2 था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये लिखना बहुत जरूरी बच्चों, इस टाइप से आप लोगों को बाद में वेरी शॉर्ट आंसर है उसका पूरे लाइन में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर डालते समय ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर लिखते हुए नीचे चालू करो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना आंसर करो बच्चों। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, राइटिंग द क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सेशन BCD इसमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस नंबर और उसका आंसर, ठीक है। यहां पे भी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको, यहां पे नंबर 1 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और एक बात ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन यहां कुछ वहां, ऐसा मत करना। अगर आपने सेशन ए को स्टार्ट किया तो ए सेशन कंप्लीट करो पूरे, नहीं आते हैं तो उसके लिए लाइन छोड़ दो, एक दो लाइन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरे क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें से 1 question number है ये लिखो, बाद में 2 लिखो, बाद में 3। अगर इसके नीचे ऊपर नीचे किए तो चले गए 3 months से, जैसे कि आपको 1-2 आ रहा था, डायरेक्टली आप 5वां आ रहा है जैसे कि एग्जांपल पे,
डायरेक्टली आपको आठवां क्वेश्चन आ रहा है, तो ये लिखो। बात समझ में आ रही बच्चों? तो इसमें नीचे, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड चालू करने के बाद उसके सब टाइप क्वेश्चन को ऊपर नीचे करो, लेकिन क्वेश्चन थर्ड मतलब सेशन, यहां पे आपको पता है कि ये सेशन मुझे लगता है बी एथ, तो बी सेशन कंटिन्यू नहीं आता है तो पेज छोड़ दो, आधा पेज छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में लिखना है। तो क्वेश्चन सी एक बार चालू किया तो पूरे उसमें सी सेक्शन आना चाहिए, डी लिखा तो डी, इससे पेपर चेक करने का मेंटालिटी एक फ्रेश होती है और आपके नंबर चांस होता है कि अच्छे तरह से मिल जाए, कहीं भूल ना जाए, ये होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले एमसीक्यूज ये तरीके से लिखना है, वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है तो पूरे लिखो आठ के आठ, ठीक है, नहीं आता है तो जगह छोड़ दो, उसके लिए आया तो है, नहीं आया तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन सेकंड आपको पता लगा है, क्वेश्चन बी, इसमें से तीन से मेरे ख्याल से 14 नंबर तक क्वेश्चन से, तो इसमें से नीचे ऊपर किया तो चलेगा, लेकिन पूरे सेशन एक बार बी चालू किया तो बी के पूरे क्वेश्चन लिखना है, सी चालू किया तो सी के पूरे क्वेश्चन जितने आते हैं 5, 6, 2, 4 जो आते उसमें बीच में डी क्वेश्चन मत, मतलब सेशन डी को मत घुसा देना, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पेपर चेक करने की वाले की। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है बच्चों, मैंने आज तक जितने पेपर चेक किए हैं उस पेपर के एक्सपीरियंस के होल्डर से बता रहा हूं मैं हूं गिरीश सर है, ये दोनों का अनुभव है, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैसेज दे रहा हूं। और आपको ये जो टेस्ट बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी, पहले पेपर इतना खास बनाया नहीं है, मैं जानबूझकर बोल रहा हूं, लेकिन इसके बाद के अच्छे पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब टाइप करके नहीं दिया हम लोगों ने, कुछ ऐसे ही बना दिए, एडजस्टमेंट कर देते। बात समझ में आ रही है? सेशन ए तो ए के पूरे क्वेश्चन सेशन ए में ही आना चाहिए, बी के सेशन, बी सेशन में जितने क्वेश्चन है 3 से 14 तक वो होना चाहिए, 15 से बाद में 27 तक जो क्वेश्चन होंगे, 26 तक वो पूरे पूरे, 27 से 31 तक डी सेशन है तो डी सेशन में ही सॉल्व करें, उससे आप लोगों को क्या होता है पता है, ऊपर होता है ऐसे तो सेशन यहाँ पे होगा ये ए में से, आपको समझो फॉर एग्जांपल 18 या इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है या सेशन नंबर बी है, तो बी में से आप लोगों को 20 में से समझो कितने था 16 में से आपको 14 मिले, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सी में आप लोगों को 24 मार्क थे उसमें 22 मिल गए, डी सेशन में आपको 12 मार्क थे इसको 10 मिले, तो ये लिखना बहुत आसान होता है, इसलिए बता रहा हूं चिल्ला चिल्ला के ताकि इसमें आपका कन्फ्यूजन नहीं, और पेपर सेटर का जो पेपर चेक कर रहा है जो बंदा है जो एग्जामिनर है मॉडरेटर चिप मॉडरेटर को दिक्कत नहीं जाती है और बोलते कि बच्चा होशियार है, अच्छा है, अच्छा पेपर लिख रहा है, ये बात है। इसके बाद में बच्चों आप लोगों को न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप लिखने, पहले फार्मूले के लिए आधा मार्क, वैल्यू पुट अप किए आधा मार्क, अगर किसी को नहीं आता तो इतना तो कर सकते हैं ना फार्मूला, जैसे कि मैंने कल बताया था एमवी स्क्वायर डेड बाय आर आता है तो इतना तो लिखो, आधा तो मार्क मिलेगा, है ना। वैल्यू पुट अप की 2 kg इसकी 3 × 10^2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 से ये -4 तो ये किया तो आधा मार्क, आंसर लिखा तो बच्चों प्रॉपर, जैसे कि इसका आंसर जो भी था 6 कुछ तो था मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है लगभग 6 है ना न्यूटन आ रहा है, तो इसके लिए आधा मार्क है बच्चों, यूनिट के लिए आधा मार्क, ऐसे मार्क होते। डायग्राम आते तो डायग्राम तो लिखो बच्चों, डायग्राम का तो आधा मार्क मिल सकता है ना, कोई भी क्वेश्चन डेरिवेशन रहा बड़ा या कोई भी क्वेश्चन रहा उसमें डायग्राम है तो डायग्राम लिखो, डायग्राम के भी मार्क पड़ते हैं, मतलब जो आता है उतना लिखो। मुझे 4 मार्क का क्वेश्चन से 4 मार्क का पूरा की पूरा क्वेश्चन से याद आ रहा नहीं तो छोड़ देते बच्चे, ऐसा नहीं करना बच्चों। उसमें से अगर आपको डिफाइन है तो डिफाइन लिखो, डायग्राम आते तो डायग्राम, उस डायग्राम से एक्सप्रेशन लिखो, उससे आपको आधा मार्क मिलता हो, फेकोलॉजी होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये पेपर जिन लोगों को लगता है कि सर मुझे 70 out of 70 या +65 आ सकते उसका पेपर मुझे सेंड करो, ज्यादा बच्चे मत करना, जिनको लगता है 70 आउट ऑफ मार्क आएंगे, जिनका पेपर मुझे अच्छा लगा मैं उसका डिस्प्ले करके आपको चेकआउट करके दूंगा कि कैसे पेपर होता है और कितने नंबर पे आपको कौन से स्टेप को कितने मार्क्स होते हैं। लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चंस पेपर के आंसर अपने दिए 1000 बच्चे ने तो मैं वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये बात को आपको ध्यान देना है कि मुझे एक ही बच्चे का यहाँ पे पेपर जिसका अच्छा लगा उसका ही मैं एक्सप्लेन करके दूंगा, बाकी होना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को ये सब कुछ पैटर्न समझा होगा आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को पेपर बहुत ही बढ़िया रात को आपको 7 बजने के बाद पेपर सॉल्व करके दे दो, मैं कल मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, एक दिन में नहीं अगले दिन में आप लोगों को चेकआउट पेपर करके दे सकता हूं एक बच्चे को। बाकी को उस पेपर से समझना है कि अपना पेपर कितना सही है और ऑनेस्टली करना है। मैं तो देखो ऑनेस्ट खुद रहोगे तो खुद का फायदा होगा, बेमानी करोगे तो खुद के साथ कर रहे, मेरे साथ नहीं कर रहे,
इस बात को नोट डाउन करें, मैं आप लोगों को बच्चों ऐसा बूस्ट अप दूंगा कि हर बच्चा फिजिक्स में आउट ऑफ मार्क लेने के लिए कोशिश करेगा। दिनेश सर भी मैथ्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, शायद सोइन सर होंगे केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए अनुप सर, वो भी धीमे धीमे काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सी प्रॉब्लम से इसलिए नहीं कर रहे थे। लेकिन बच्चों आपका पुश अप एकदम बढ़िया करके देंगे, हम गारंटी देंगे। चलो बाय एंड बेस्ट लक फॉर यूर पेपर।